नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। मैं हूं शिवांगी। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्य लुटेरा फुरकान गिरफ्तार। फुरकान पर दर्ज है अलग अलग राज्यों में 52 मुकदमे। एनसीआर और दिल्ली में नेता था, लूट की वारदात को दिया अंजाम। सिकंदराबाद मुठभेड़ में स्वाट टीम ने की फुरकान की गिरफ्तारी। पुलिस ने फुरकान के कब्जे से 5 लाख रुपए कीमत के लूटे हुए गहने और पिस्टल भी की बरामद। पुलिस ने शातिर गैंग के गिरफ्तार सदस्य पर करेगी गैंगस्टर की कार्रवाई। लुटेरे ने बुलंदशहर में कारित की आधा दर्जन लूट की वारदातों का भी किया खुलासा। स्वाट टीम ने सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद की फुरकान की गिरफ्तारी। संवाददाता आलम टाइगर की रिपोर्ट। देखिए, बीती रात थाना कोतवाली नगर और स्वाट टीम बुलंदशहर के द्वारा एक कुख्यात अपराधी फुरकान, जिसका नाम है बुलावटी का रहने वाला है, जिसके विरुद्ध अब तक 52 मुकदमे हैं। 52 मुकदमों का इसका आपराधिक इतिहास है। अंतर्राज्यीय स्तर का साथी लुटेरा है और ज़्यादातर मुकदमे एनसीआर के सभी जनपदों में और दिल्ली में हैं इसके विरुद्ध। इसकी गिरफ्तारी के बाद घटनाओं का जो अनावरण हुआ है उसमें इस जनपद के 3-4 लूटे हैं जिनमें वांछित चल रहा था और लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इस बीच में दिनांक 15-10 को दिन दहाड़े एक पुलिस मुठभेड़ सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां पर कथित रूप से एक अभियुक्त को गोली भी लगी थी जो भागने में सफल रहा। गांव वाले और स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया था कि भागता हुए व्यक्ति के शरीर से खून टपक रहा था। ये उसी साथी गैंग का साथी अपराधी है और उस दिन ये भी भागने में सफल रहा था और इसका एक साथी और इसकी कार पुलिस के द्वारा बरामद की गई थी। आज इसकी गिरफ्तारी से जो लुटेरों का गैंग है इसके ऊपर कड़ा अंकुश लगाए जाने की प्रक्रिया में एक सफलता प्राप्त हुई है और जनपद के 4 मुकदमों में लगातार वांछित चल रहा था। 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी। इसके कब्जे से 3 सोने की चेन बरामद हुई है, 2 हाथ के कड़े, जो घटना अभी कुछ दिन पहले डीएम रोड बुलंदशहर में हुई थी उससे संबंधित है। एक दंपत्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तेल खत्म हो जाने के बाद जब वो खड़े थे तो उनके साथ लूटपाट की घटना की गई थी। खुर्जा नगर में एक महिला अपने घर के बाहर थी और पिछली साल दिवाली के आसपास की घटना थी और उस घटना में महिला के घर के सामने कार से गए और इसके बाद फिर उसको असलहे दिखा करके उसके कड़े हाथ लूट लिए थे। तो इस तरह से इनके द्वारा जो घटनाएं की गई थी उनका अनावरण किया गया है और लगभग 5 लाख से अधिक मूल्य के स्वर्ण आभूषण इनके कब्जे से बरामद किए गए। सर, पिस्टल बरामद की गई है? हाँ, इसके कब्जे से पिस्टल बरामद की गई है। तो इस तरह से एक बहुत ही साथी अपराधी है और इसका एक अन्य साथी लगातार हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं जो 15-10 वाली मुठभेड़ में मौके से भागने में सफल रहा था और जिसको गोली लगने की बात बताई जा रही है। सर, आपराधिक इतिहास क्या है, कितने इसमें मुकदमे दर्ज? देखिए, इसके विरुद्ध कुल 52 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें हापुड़, मुरादाबाद, साकेत, दिल्ली और इसके अलावा दिल्ली के दर्जनों मुकदमे हैं। करोल बाग दिल्ली, KM पुरम दिल्ली और दरियागंज दिल्ली, राजेंद्र नगर दिल्ली, रंजीत नगर दिल्ली, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला, रूपनगर, बसंत कुंज, अमर कॉलोनी दिल्ली, हजरत नगर गढ़ी थाना है मुरादाबाद, हापुड़ देहात के थानों में कई मुकदमे हैं लगभग 1 दर्जन के आसपास, खुर्जा नगर, परतापुर मेरठ में 4 मुकदमे हैं, कोतवाली नगर बुलंदशहर में 2 मुकदमे हैं। सर, लूट का पैटर्न क्या है और टीम को क्या तरीके के? देखिए, इनका लूट करने का तरीका बड़ा अजीबोगरीब है। ये कभी मोटरसाइकिल से और कभी कार से घटना को अंजाम देते हैं, जहां जैसी परिस्थिति रहती है और इनके जीविकोपार्जन का यही एकमात्र साधन है। इनके विरुद्ध हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे और इनकी संपत्ति खुद करने का प्रयास है। पुलिस टीम को इस पूरे प्रकरण में 25,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है तो धनराशि प्रदान की जाएगी। साथ ही जो पुलिस में भेड़ हुई थी जिसमें यह भागा था 15-10 की घटना, उसमें भी 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि घोषित की है।